धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बहुत बड़ी कोरोना महामारी जैसी बीमारी से ढंग से पूरे 130 करोड़ जनता को बचाने का काम किया, इसके साथ साथ उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ऐसी महामारी के लिए जो वैक्सीन बनाई, जो पूरा विश्व आज में हमारे देश का नाम रोशन किया, पूरे विश्व के देश हमसे वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, इनके लिए भी धन्यवाद। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से 130 करोड़ जनता में 10,000 पॉपुलेशन पे जहाँ एक डॉक्टर था बोलने दो ना, कहा उसके लिए समस्या को पूरी करने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा पूरा किया, और इसी के तहत राजस्थान में भी लगभग 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेजों के लिए 3,000 करोड़ रुपए देने का काम किया, इसके लिए भी धन्यवाद पात्र है। इसके साथ साथ जितने भी कोरोना वायरस थे, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी, सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस महामारी से निपटने में पूरा योगदान दिया। मैं सभापति मोदी आपके माध्यम से मंत्री मोदी से कहना चाहता हूं कि टोंक में मेडिकल कॉलेज तो काम चालू करने के लिए वहां पे जल्दी से जल्दी टेंडर लगा के वहां पे काम चालू करें, जिससे SMS में जो सबसे बड़ा जो लोड रहता है वो टोंक जिले का के सबसे ज़्यादा मरीज यहां पे आते हैं, तो यहां का लोड भी कम करें और वह उस डिस्ट्रिक्ट के कम से कम वहां पे वो मरीज वहाँ जा सके। क्योंकि आपके इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जो अजमेर में जो आप दूसरी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं तो केकड़ी में ही खोले, जिससे मेरे क्षेत्र की जनता पास में पड़ती है मालपुरा की, तो वहाँ चले जाए तो मैक्सिमम लोड रहे, तो ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ सभापति मोदी, मंत्री मोदी से कहना चाहता हूँ कि आपातकालीन सेवाएँ जो भी 108 104, इनके अंदर भी काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ हो गई है, इनको चेंज करें और इनमें स्टाफ की पूर्ति करें, जिससे लोगों को पूरी सुविधा मिल सके। इसके साथ साथ CSC और PSC पे मेडिकल स्टाफ की काफ़ी कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, इसको भी पूरी करने की कोशिश करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डिग्गी CSC में 5 करोड़ रुपए का आज 3 साल पहले NRHA में बजट आया था, अभी बिल्डिंग के लिए अभी भी काम चालू नहीं हुआ। इसके साथ साथ मालपुरा के अंदर 70 बेडेड हॉस्पिटल है, वहां पे वार्ड की काफ़ी कमी है, उसमें भी वार्ड करे जाए। इसके साथ साथ वार्ड के निर्माण के साथ साथ वहाँ पर ट्रोमा हॉस्पिटल, क्योंकि आप हमेशा वहाँ से जाते हो, पिछले 2 बजट में भी आपने कहा था कि आप मेरे पड़ोसी हो, आपको तो मैं दूंगा, 2 बजट में आपने कुछ भी नहीं दिया। मैं आपसे मांग करता हूँ इस बजट में कि 2 स्टेट हाईवे दूधू छान और सांगानेर जयपुर वहाँ से निकलते हैं और वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तो उसको ट्रोमा हॉस्पिटल और 100 बेड का करने की कृपा करें, जिससे लोगों को सुविधा मिले कि हर जगह पर चाहे कहीं भी जाओ 100 किलोमीटर से ज़्यादा हर जगह दूरी है, टोंक भी जाओ तो 100 किलोमीटर है, जयपुर आए तो 100-125 किलोमीटर पड़ते हैं, तो वहाँ ट्रोमा हॉस्पिटल खोले जाए और उसके बेड की संख्या बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ टोडा राय सिंह में भी जो 50 बेड है हॉस्पिटल, उसको 70 बेड किया जाए। वहाँ सिर्फ 2 डॉक्टर रहते हैं, वहाँ न तो कभी आज दिन तक गायनिक आया न पेडियाट्रिक आया, डॉक्टर की व्यवस्था की जाए कि वो उपखंड काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है बहुत, उसमें भी आप करने की कृपा करें। इसके साथ साथ में टोडा मालपुरा के अंदर जैसे विशेषकर ब्लड बैंक की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे लगभग अकेले मालपुरा की 70,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन होगी, बरजलार नगर भी पूरा कस्बा है वो भी उसी के साथ सटा हुआ, तो ब्लड बैंक भी आप खोलने की कृपा करें। इसके साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अगर दर्जा दे दे, जिस तरह आपने फाकी किया, फाकी तो जयपुर के बिल्कुल पास में, बाकी अगर इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा जिस तरह से आपने आज से 7 साल पहले 8 साल 10 साल पहले आपने केकड़ी के अंदर दिया, उसी तरह से अगर दे दे तो बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। इसके साथ साथ मैं आपसे सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री कहना चाहता हूँ कि मेरे कई बड़े ऐसे पंचायत हैं जिनके अंदर CSC तो खोलना जरूरी है, जैसे जिनकी आबादी 10,000 से भी ज़्यादा है, मेरे लावा, पचेवर, टोड़ी और लामारी सिंह ऐसी कस्बे टाइप है जहाँ पे CSC को खुले आज काफ़ी समय हो गया, कम से कम 20-25 साल हो गए, उनको भी PSC से CSC खोलते हैं तो उन लोगों को आसपास की जो पॉपुलेशन उनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ PSC की भी मैं मांग करता हूँ कि मेरे पारली, उनियारा, आपके रस्ते में जाते हैं तो उनियारा आता है, और एक मोर, ये 3 जगह भी अगर CSC तो खोल नहीं सकते पर PSC खोल सकते हैं तो ये बहुत बड़ी उम्मीद है। इसके साथ साथ मैं आपसे मांग करता हूँ कि काफ़ी समय पहले मेरे संवारिया के अंदर पतराज और पारली में वहाँ पर एड पोस्ट थी GNM की, वो बीच में पिछले 4-5 साल पहले पता नहीं किस तरीके से उसको ख़त्म कर दी, तो वहाँ पे एड पोस्ट की बिल्डिंग भी बनी हुई है, सब कुछ सुविधा है, तो एड पोस्ट जो भी GNM सेकेंड ग्रेड की वापस पदसर्जित हो जाए तो वहाँ पे बहुत बड़ी पंचायत है, उन पर उनको सुविधा मिले, ये आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं किस समय की कमी है आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी आपने जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की थी, मेरे मालपुरा के अंदर पुराना हॉस्पिटल है, पूरी बिल्डिंग बनी पड़ी है, कम से कम उसमें 20,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, तो उसको भी जनता के लिए में खोले जाए। इसके साथ साथ बरजलाल नगर जो काफ़ी बड़ा कस्बा है, इसमें जनता के लिए खोलने की कृपा करें, और इसके साथ साथ मालपुरा हॉस्पिटल के अंदर
24 घंटे इलेक्ट्रिक की व्यवस्था की जाए कि वहाँ पे जनरेटर भी हमेशा खराब रहता है, कभी कभी तो बैटरी के अंदर वहाँ पे प्रसव कराया जाता है बैटरी की रोशनी के अंदर, तो कई दफे अखबारों की भी खबर छपी है। तो आप वहाँ पे जो भी सिस्टम हो, जिस तरह से कई PHED के अंदर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होती है, उसी तरह हॉस्पिटल में बिजली की व्यवस्था, जो पूरे राजस्थान में जहाँ भी तकलीफ है ये व्यवस्था करने की आप घोषणा करें, जिससे सब जगह सारी व्यवस्था मिले। दूसरा, मैं मेरे उपखंड के अंदर मांदोलाई के अंदर आज से लगभग 30 साल पहले काफ़ी बड़ा CSC हॉस्पिटल था, वहाँ पे लगभग 7 से 8 डॉक्टर बैठते थे, बाकी धीरे धीरे वहाँ की सुविधा कम करते करते अभी केवल 1 डॉक्टर बैठता है। तो उसकी भी व्यवस्था देखी जाए कि इतना पुराना CSC था, उसमें किस कमी की वजह से रह रहा, क्योंकि उसके आसपास 5-7 ग्राम पंचायत आती थी, उसमें भी अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ज़रूर उस क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बजीत यादव। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, ग्रामीण